Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं The Resident Evil 4. तो जैसे कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैं एक बहुत ही बड़े हॉन्टेड कासल में खो गया था, क्योंकि इस कासल के रास्ते बहुत ही ज्यादा भूल भुलैया वाले हैं और कोई भी नया दरवाजा खोलने के लिए भाई पजल सॉल्व करनी पड़ती है. समझ ही नहीं आता भाई कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ. बट दूसरी डेंजर चीज ये है कि ये कासल बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है, क्योंकि इसमें है बहुत सारे अजीबोगरीब ज़ॉम्बीज जो कि कभी भी अटैक कर देते हैं. तो लास्ट टाइम उन्होंने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया और मैं एशली को बचाने आया था, उसने हमारी हेल्प करके हमें उस पिंजरे से निकाला, बट फिर से ज़ॉम्बीज उसे पकड़ कर ले गए. तो आज मुझे कासल से बाहर निकलना है, उसको बचाना है और हम दोनों ज़ॉम्बीज बनने वाले हैं, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज ने हमारे ऊपर अटैक करा था और ज़ॉम्बीज जब किसी पे अटैक करते हैं तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है. तो हमें उस बीमारी का इलाज करवाना है. एक बंदा है जो हमें बचा सकता है, तो उस तक पहुंचना है. बहुत कुछ करना है आज, लेट्स गो. पहले इस कासल से बाहर निकलते हैं. ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द रेजिडेंट इविल 4. बाय द वे, ये हमारा कैरेक्टर नहीं है, ये एक लड़की है. मुझे समझ नहीं आ रहा ये हमारा पीछा क्यों कर रही है. जहां जहां मैं जा रहा हूँ वहां वहां ये पहुंच जाती है. ये शायद से अपने बॉस से बात कर रखी है, बट उसने इसको हमारे ऊपर नजर रखने के लिए क्यों भेजा है समझ नहीं आ रहा. कभी कभी हमारी हेल्प भी करती है और मुंह पे धमकी देती है. पता नहीं ये कौन है, क्यों है, अभी आगे पता चल जाएगा शायद. बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अब तक सेफ कैसे है. इस जगह पे इतने मॉन्स्टर हैं भाई. ओके, ऊपर कोई तो गया भाई, बहुत डेंजर सा. ओ वेट, वो एशली को लेकर जा रहा है, जिस लड़की को हम लोग यहाँ पर बचाने आए हैं वो मॉन्स्टर उसे लेकर जा रहा है. और ये रहा मैं, और मुझे अभी कॉल. ओ शायद से भी हमारे साथ मिलके काम करने वाली है. नाइस, चैप्टर 10 स्टार्ट हो चुका है. चिप्स पॉपकॉर्न निकाल लो, आज बहुत मजा आने वाला है. बाकी इस लड़की ने उसे जाते हुए देख लिया है कि वो जो मॉन्स्टर है वो एशली को लेकर जा रहा है, बट नहीं, वो हमारी हेल्प नहीं करेगी. हमें खुद ही जाकर एशली यानी प्रेसिडेंट की जो बेटी है जिसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं उसे बचाने मुझे अकेले ही जाना होगा. बाय द वे, ये वो पिंजरा है जहाँ पर मुझे लास्ट टाइम बंद कर लिया था. और पजल्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ये तीन पता नहीं क्या है गोल्डन हेड है, एक स्नेक का, लायन का, डियर का, सारे मैं लेकर आया था और मैंने दरवाजा खोला था. पर मैं भूल गया कौन सा दरवाजा खोला था मैंने. वो एशली को इस दरवाजे से लेकर गया था. तो यानी अगर अभी मुझे एशली को ढूंढने जाना है तो क्या ये दरवाजा. यस भाई, कितने बड़े दरवाजे हैं इस गेम में, आई मीन इस कासल में. भाई मैं डर गया दरवाजे के साउंड से बंद होने के. चलो ठीक है, अभी चुपचाप शांति से आगे बढ़ते हैं. बट मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या गिरा हुआ है जमीन पे. तो पकड़ी, ओ ये क्या, पागल है क्या, ये क्या है भाई, बड़ा मच्छर है तो ऐसा लग रहा है, बट ज्यादा ताकत नहीं है. Fucking monsters. मैं ऐसे डराना नहीं होता. तो मैं कुछ यही बात कर रहा था, इस कासल में बहुत अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स हैं और ये वाला तो खुद मैंने पहली बार देखा. अभी पता नहीं कितने टाइप के और बच्चे हैं. ओके, दरवाजा लॉक है, जाना मुझे आगे है, बट मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्या उस पर. यस, कूद के चलते हैं. अबे तू पागल है, बेटे ऑल आउट लगा के मार दूंगा तुम्हें. निकल यहाँ, निकल भाई. एक वो नहीं आता, गोल वाली टिक्की आती है उसे जला दो, धुआं धुआं हो जाता है पूरा, ये मर जाते हैं बिल्कुल मच्छर जैसे है. अभी तक अटैक तो नहीं करा मेरे पे, बट इतना बड़ा मच्छर काटेगा ना तो दाना नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा भाई. अरे मेरा प्लेयर चक्कर क्यों खा रहा है भाई. मैं किसी रूम में तो आ गया हूँ भाई, तोड़ो पहले. मेरे को यार बहुत सारा सामान चाहिए होगा. मेरे पास 4 गन है, बट गन्स में एमो बहुत कम है. इसके अंदर 6 गोलियाँ हैं, रीलोड कर लेता हूँ, बढ़िया रहेगा. कहाँ जा रहा है रास्ता, राइट में कुछ तो है और इधर भी एक पेपर पड़ा हुआ है. शॉर्ट गन मैंने हाथ में ले रखी है, अगर अचानक से कोई बड़ा मॉन्स्टर मुझे धप्पा करेगा तो उसका मुँह फूटेगा, बहुत गंदी तरह डैमेज करती है. अब मैं ये कहाँ गया मुझे समझ नहीं आ रहा, बट इधर गन पाउडर पड़ा है और ये जगह टूटी हुई है. ऐसे लग रहा है इधर कोई बहुत बड़ा झूमर था जो कि नीचे गिरा है, बट ये कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हो गई जगह, पूरा फ्लोर इधर का कैसे टूट गया. यहाँ पे कुछ तो बहुत भयानक चीज हुई है या फिर रहती है. मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है इस जगह पे, कुछ तो बहुत गलत होने वाला है शायद कोई. अबे नहीं 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 नहीं, नहीं गलत बात. वैसे एक गोली में ढेर तो हो जाते हैं. अरे ढेर हो, क्या खाते हो भाई तुम, ये क्या हालत बना रखी है. ले ले, चक्कू से मारूंगा बेटे. ओ भाई ये तो डर गया. चल हट, निकल, चल कोई फालतू नहीं बोल, लेटे रह. फिर आ गया, समझ नहीं आ रही तेरे को भाई, अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं इतने. तुम्हें अभी बताता हूँ मैं, नीचे आ. अरे नहीं, एक दो कितने हो भाई, दो गोली में ढेर कर दूंगा.
भाई वेट वेट वेट, मुझे भागना पड़ेगा ऊपर, ये बहुत सारे हैं यार। अरे चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, क्या क्या है ये, मर जाए यार। मेरे पे गोलियां कम है, तेरे को समझ नहीं आ रही, आगे भी बंदे मार रहे हैं मेरे को। हाँ तू बेटा अब तू देख, इधर ये ले, निकल यहाँ से, हड्डी तोड़ दूंगा बेटे। भाई ये फूटते क्यों है मरने के बाद। चलो भाई जीतते थे सबको। ये कब आया तेरी ऐसे की तैसे, हेल्थ बहुत कम है मेरी, ये तू बच कैसे। भाई मेरे को हीलिंग करनी होगी, यहाँ पर कुछ कुछ पड़ा है, सामान उठा लेता हूँ। ओके यार वो गलत अटैक करके गया मेरे पे, इसे यूज़ कर लेता हूँ। मैं राइफल का एमो क्राफ्ट कर सकता हूँ, मेरे पास गन पाउडर अच्छा खासा है, एंड थोड़ी बहुत बुलेट मैं अपनी हैंड गन की क्राफ्ट कर लेता हूँ, और शॉट गन की तो नहीं कर पाऊँगा। हीलिंग थोड़ी बहुत थी मैंने यूज़ कर लिया। ओ ये क्या, अब एक ज़मीन पे जो पत्थर बने हुए हैं, तो या तो पत्थर बन लो या मच्छर बन लो, एक चीज़ बन जाओ। और जो भी भाई बहुत सामान देखे गया मेरे को, अरे लिटरली पत्थर जैसा दिख रहा था। ओ भाई पागल है क्या, डॉज कर रहा है यार, ये तो बहुत ही रिस्की टाइप है सीन। आ रहा है, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, तू दिख, अब तू गया, अब तेरे लात ही पड़ेगी। इधर निकल यहाँ से, अब बहुत ताकत है मेरे पे। इधर इसको चक्कू से काटूँगा, इनका यही इलाज है, एक गोली हेड पे मारो उसके बाद इन्हें फोड़ दो ले यार। ओके यहाँ पर कुछ तो रास्ता, भाई तुम क्या अनलिमिटेड हो क्या। ओ अच्छा गड्ढे में चला गया, तो ओ ये क्या, यार ये खत्म ही नहीं हो रहे, कितने हो भाई, ओई तो मार देगा तू, तो नाच के दिखा रहा है पागल, मर यार। हीलिंग खत्म करा दी इन्होंने पूरी की पूरी, अभी मैं फुल हेल्थ हूँ, मुझे किसी से कोई फाइट नहीं करनी, भाड़ में जाओ। अरे ये दरवाजा ही लॉक्ड है, यहाँ सीढ़ी जा रही है ऊपर, पता नहीं सीढ़ी कहाँ जाएगी, बट शायद किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ से मैं उस दरवाजे को ओपन कर सकूँ। लाल तो क्या गिरगिट भी हो गया, कलर चेंज करके बैठा हुआ है। इधर निकल भाई, ये बहुत सारे हैं। ओ भाई शेट, ये रहा एक, इससे दरवाज़ा खुल जाएगा, लेट्स गो। नहीं क्या लेट्स गो, ये कौन सा दरवाज़ा खोल दिया मैंने। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ, वायो फट गया भाई, कहाँ आ गया हूँ मैं यार, ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा था ठीक था, ये क्या अजीब से मच्छर आ गए हैं। मुझे ये दरवाजा ओपन करना है पर पता नहीं कहाँ से होगा, बाकी मैंने कोई तो पिंजरा खोला है, अभी देख कर आता हूँ। उसमें दो जालियाँ थी, बट यहाँ पर भी एक डोर है, ये खुलेगा क्या, ये तो खुल गया। अबे यहीं से तो आया था क्या, अच्छा अरे मैं घूम के वापस वहीं आ गया, मतलब उस टाइम वो दरवाज़ा खुला नहीं था, बाकी अभी मैंने इसे दूसरी साइड से ओपन कर दिया है। इधर बहुत सारा सामान गिरा भाई, सब उठाओ, इस गेम में सामान की बहुत कमी पड़ती है। आ गए आ गए आ गए आ गए, ओहो भाई अब पड़ी ना इसके बढ़िया वाली रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स से मजाक नहीं। चलो यार बहुत हो गया, इधर एक तो ना गड्ढे बहुत है, मैं कभी भी गिर सकता हूँ अगर ध्यान नहीं रहा तो। चल मर, बढ़िया ओके निकल यहाँ से। यार मैं थक गया भाई इन्हें मार मार के, क्या लोग हैं ये। अबे भाई ये सच में आए जा रहे हैं, भागो भाई मैं इनसे नहीं लड़ रहा, फालतू में सर दर्द कर दिया लड़े लड़के। ऊपर वाले फ्लोर पे एक और रास्ता जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ निकलना है इधर से कुछ नहीं समझ आ रहा, बट ठीक है अभी चलते जाओ बस। ओ वेट आगे बहुत सारे बैठे हैं। ओ नाइस, अच्छा करा तुमने बेटा, अब पड़ेगी तेरे लाद। देखो गाइस आगे ना तीन चार ऐसे बन के बैठे हुए, इन्हें लग रहा है मेरे को पता नहीं चलेगा है, इधर आ इधर आ इधर आ, पता नहीं चलेगा। अभी मैंने मारी इनकी थोड़ी हैवी वाली बुलेट, मतलब हैवी वाली गन, सीधा एक में ढेर हो जाए जिससे ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदल के बैठ रखे हैं ये लोग। अब बोल फालतू, बाकी यहाँ पर एक और लीवर था, दूसरा वाला इधर है, तो यानी अभी जो दो दरवाजे थे मैंने दोनों ओपन कर दिए हैं, बट ये दरवाजा है कहाँ मैं तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। ओके इधर नहीं है, कहीं तो होगा नीचे वाले फ्लोर पे, या चल के देखता हूँ। मैंने ओपन कर दिया बट मुझे पता ही नहीं मैंने क्या ओपन करा है, ये क्या है। ओ अच्छा वही साइज है, मैं डर गया भाई, मेरे को लगा थोड़ा बड़ा है, डरा दिया था भाई। अरे 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 क्या हो गया, क्या बात हो गई, डांस मस्त करके दिखाते हैं, बढ़िया। लाओ बस इतनी ज़्यादा बुलेट्स वेस्ट करिए, मेरे को हीलिंग और बुलेट्स देते जाओ बस, मेरे को लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, हज़ार बंदे लाओगे हज़ारों मारूंगा। मैं पता नहीं करने क्या गया था अंदर, खाली पीली फाइट हो गया। ये उठाओ फटाफट यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, भाग कर चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इधर ये कितने हैं। बाकी जो दरवाज़ा मैंने ओपन करा था वो मुझे दिख गया है, फटाफट निकलते हैं। पर कोई लोहे की आवाज़ आ रही है कहीं से, तो पर ठीक है छोड़ो, ये कैसी
अब ये क्या जगह है भाई, कोई तो हंस रहा है। अच्छा स्पीकर से आवाज आ रहा है। प्रिंसेस हो? भाई मेरे को पहले तो भी उस तक पहुंचना है, वो उसको पता नहीं क्या मारने काटने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। मैं जाऊंगा कैसे समझ नहीं आ रहा, ये रास्ता तो नहीं जाएगा, जाना मुझे स्ट्रेट ही है बट ये कैसे गिराऊं मैं रास्ता। ओ वेट, इससे मैं तोड़ सकता हूँ, ब्रिज गिर जाएगा, नाइस। अरे आधा गिरा, मुझे इस ब्रिज को पूरा ओपन करना है। कोई और भी है क्या? वेट थोड़ा पीछे से जाके देखता हूँ। वेट ये रहा, नाइस, तो दरवाजा मैंने ओपन कर दिया है, लेट्स गो। अब मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ भाई, कितना बड़ा कासल है समझ नहीं आ रहा, कितने दरवाजे, कितने कमरे, कितने हॉल, कितने मॉन्स्टर्स हैं भाई यहाँ पे। अबे ये क्या लोग हैं, मेरे पास ना इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुमसे लड़ लूँ। अभी पीछे वाला दरवाजा बंद कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत मारूंगा, सच बता रहा हूँ बहुत मारूंगा। काले वाले पीछे रहे, देखो नहीं समझ आ रहा है, देखो। ओह ओह अरे भाई, गंजे वाला ज़्यादा डेंजर था। मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, शॉटगन मार दूंगा बेटे, फालतू नहीं बोलने का। वो ये कौन है, उसको मार रहा है उसने दूसरे, अरे मार 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 इनको मार, बढ़िया सही दिमाग है, मैं तेरे को मारूंगा। मेरे को ना हीलिंग चाहिए गाइस, सॉरी सॉरी। भाग भाग भाग, मैं भाग रहा हूँ भाई, आई भाग जाओ भाई, ज्यादा बढ़िया है, पागल लोग हैं, थोड़े से हीलिंग दे दो भाई प्लीज। आई भाई साहब, ये तो बहुत खतरनाक है। रुको यार, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बंदे खतरनाक नहीं है, मेरे पास हीलिंग नहीं है, प्रॉब्लम ये है इनका कुछ तो तोड़ होगा यार। इन मॉन्स्टर्स में ना दिमाग नहीं है, ये नहीं देख रहे अपना बंदा किसका बंदा है, ये जो सामने आ रहा है बस उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वेट, मेरे पास एक फ्लैश ग्रेनेड है, मैं इसको इक्विप करता हूँ पहले, तो डालते हैं इनके ऊपर ये ग्रेनेड, ये लो, मैं उधर हो जाता हूँ, ये पिटा निकल यहाँ से। यार कैसे लड़ू इनसे समझ नहीं आ रहा, फ्लैश ग्रेनेड के थ्रू शायद मैं इनसे बच के निकल सकता हूँ क्या? ओ वेट, मैं शायद कुछ तो समझ रहा हूँ, मैं जितना ज्यादा साउंड क्रिएट कर रहा हूँ ना उतना ज्यादा वो लोग अग्रेसिव हो रहे हैं। मार मार, ओ ओके, सारा खेल ही साउंड का है भाई। भाई ये मार देगा, ये बहुत ताकतवर है, मुझे इसकी पीठ पे अटैक करना है, बैक साइड पे उसका हार्ट है। हाँ समझ गया हूँ, मुझे ये अंधे हैं भाई, ये अंधे हैं, देखो अभी जाकर मुझे थोड़ा सा सीन समझ आया, ये लोग अंधे हैं, ठीक है। सीन बहुत आसान है, जितना साउंड क्रिएट होगा ये बड़े वाले मॉन्स्टर्स उतना ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। मुझे उठाना है बस ये फ्लैश ग्रेनेड, पर मैं जाऊँगा कहाँ इस फ्लैश ग्रेनेड को मार के। रुको पहले इसे करते हैं इक्विप, मेरे पास दो है ना। नहीं 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 नहीं, बच गया मैं, बच कैसे गया, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई कहाँ फंस गया हूँ मैं, ये अभी ना मुझे काम बहुत समझदारी से लेना होगा। तो जो बड़े वाले मॉन्स्टर्स हैं उनकी आंखें नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, वो लोग फाइट कर रहे हैं साउंड सुन के, जहां पर भी शोर मच रहा है वो लोग वहां जाके अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उठाऊंगा फ्लैश ग्रेनेड, ये छोटे वाले मॉन्स्टर्स को ना आराम से मारता हूँ। अंदर आओ बेटा, तुम अंदर आओ, कोपचे में लड़ाई होगी, पहले निकालो फ्लैश ग्रेनेड, इनको आने दो, आ जाओ बेटा तुम, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, बहुत गंदा मारूंगा इन्हें। वेट, समझ तो इनको भी नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैं हूँ कहाँ पे। चुपचाप से अगर काम लिया जाए, ओह नहीं 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 नहीं, इतने भी डम नहीं है, कैसे मारू यार इनको बहुत चुपचाप से, इसको चुपचाप से जाके मारू। ओ भाई मैं चुप हो जाता हूँ, सब शांति हो जाती है। गोलियां नहीं चलानी भाई, चुपचाप खत्म करना है। अरे 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 कहाँ रहा है गंजा, कहाँ रहा है भाई, वो लोग निकल गए सारे, प्रॉब्लम हो गई। अगर मैं शांति से बैठ जाऊं तो क्या होगा,
मैं कोई साउंड नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग अंधे हो। मामला शांत हुआ है। ओ नहीं यार, यार मैं इसे क्राफ्ट करके, यार हीलिंग होती ना मजा आ जाता। सारा सीन तो शांति बनाए रखने का है। ओ भाई ओ भाई, ये आपस में भी एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। वो देखो वो देखो, उनके आपस में लड़ाई हो गई। मार मार इसको, मार इसके सर पे खोपड़ी फोड़ इसका। रुको रुको रुको, मेरे पास एक ग्रेनेड है, अब मरवाएंगे यार ये लोग। शोर करवा दिया इन्होंने, मैं तो बैठा हुआ हूँ शांतिपूर्वक। किसी ने कुछ नहीं देखा। आ और लग रही है, उधर जा। मैं पता नहीं कैसे बच गया, बट बच गया हूँ। काश मेरे पास हीलिंग होती भाई। क्या डेंजर है, मार इसको, मार इसके सर पे थप्पड़। ओ हीलिंग, लेट्स गो भाई। ये मॉन्स्टर अपनी ऐसी तैसी ना। ओ समझ तो आ गया कैसे करना है, हो जाएगा। ओके तो अभी मुझे समझ आ चुका है कि मुझे इन नूब मॉन्स्टर से कैसे फाइट करनी है। तो ये जो बड़े वाले मॉन्स्टर्स हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो सॉरी इनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई ही दे रहा है। तो जहां शोर मचेगा बस ये लोग वहां पर जाकर अटैक करेंगे, सिंपल है। तो मुझे क्या करना है, इनको चुपचाप से मारना है छोटे वाले मॉन्स्टर्स को, क्योंकि अगर ये छोटे वाले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए मैं शोर मचाऊंगा तो बड़े वाले मॉन्स्टर्स को पता चल जाएगा और वो लोग आके मुझे मारेंगे। तो उससे पहले मैं इनको लातों से मारूं, ज्यादा बढ़िया। निकल यहां से, ढेर है सारे, तीनों को मैंने मार दिया। थोड़ा सा वेट करते हैं, समझते हैं कि अभी क्या चल रहा है, कितने लोग हैं यहाँ पे। वेट 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 वेट। मेरे को एक चीज दिखी गाइस, पहले तो हीलिंग दिख गई है बट जगह जगह पे ना बेल लगी हुई है, शायद से बड़े मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं जैसे इस बेल पे गोली मारूंगा शोर मचेगा, वो लोग भाग के उधर जाएंगे, ये चीज मुझे नहीं पता थी। बाकी ये भाई सब्जी आए हैं, इनको मैं मारूंगा। रुक रुक रुक, तेरे को बताता हूँ, अपने आप को ज्यादा खेल ले। इधर आइयो, क्या कह रहे हैं, इधर इधर इधर, ज्यादा शाना बनेगा। मामला फुल सेफ है गाइस। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बड़े मॉन्स्टर्स को मैं बेल पे गोली मार के जगाऊं या फिर क्या करूं। ट्राई तो करना है, क्योंकि जितने छोटे वाले मॉन्स्टर्स थे मैं उन्हें मार चुका हूं। वो जग गए, वो जग गए, जग गए, जग गए, जग गए, जग गए। मेरे को बेल पे गोली मारनी चाहिए। तेरे को समझ नहीं आ रही बुढ़िया, वे पागल, इधर का मार, इसको मार ले, भैंस की बच्ची से पिट रहा है। मैं क्या चक्कू है भाई, गोली मारनी पड़ती है एट द एंड। वो देखो बैल के पास गए वो, बट बैल भी उन्होंने तोड़ डाली, ये गलत बात है यार। भाई साहब इसका निशाना था क्या था, मैं मरने वाला हूँ फिर से। तू मरेगा बेटा, एक आइडिया एक आइडिया एक आइडिया, मैं ग्रेनेड यूज कर सकता हूँ ना, मैं एक और ग्रेनेड यूज कर सकता हूँ इनकी आपस में फाइट करवाने के लिए। मारो मारो मारो, एक दूसरे को मारो, ये बस एक दूसरे को मारते रहे, मजा आ जाएगा। ये कहाँ से उतर के आ जाते हैं छोटे वाले मॉन्स्टर्स, बहुत आराम आराम से खेलना पड़ेगा भाई। एक छोटा मॉन्स्टर है इसमें तो, अरे यार क्या करूँ क्या करूँ, मैं मरने वाला हूँ। बैठ जाता हूँ यहीं, यही तरीका है भाई इनसे बचने का भी। हाँ एक बेल बची है क्या, ये क्या रास्ता है इधर, अच्छा इधर बेल है एक। वाओ 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 वाओ, बहुत ही मजा आ गया भाई, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। सब यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ भाई, पागल हो भाई तुम सारे। भाई क्या है ये, बस भाग के ना यूं बैठ जाओ, इतना तो समझ आ गया, मारो भागो बैठो, ये तरीका है इनसे बच के निकलने का। अबे रीलोड पागल है भाई बिल्कुल ही। मर गए, अब मर गए,
मेरे को लगा ये मर गई थी, अब बट मैं मरूंगा, कुछ नहीं होगा भाई। मार इसको, बढ़िया, उसको भी मार दे भाई, बस मजा आ जाएगा ये। अरे वो साउंड कर रहा है, उसे मारो। मैं मरने वाला हूँ, बच गया शायद से। बच गया भाई, बच गया, पता नहीं कैसे बच गया बट बच गया। अब मरूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी थी, आराम से काम हो सकता है, जल्दबाजी क्यों कर रहा हूँ मैं। मेरे को बस जाके एक बारी हीलिंग उठानी है भाई, मिशन पास हो जाएगा। ओ भाई यहाँ पर हीलिंग ड्रॉप्ड है, किसी तरीके से चुपचाप बस एक बारी ये उठा लूं, कसम से। तू आ जा। मर गए भाई, इस बार मर गए भाई, ये इस बार तो मैं करके ही जाऊंगा भाई, बहुत हो गया, बहुत मजाक हो गया यार। स्टन ग्रेनेड्स ना स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करूँगा, लास्ट वाले मॉन्स्टर्स के लिए यूज़ करते हैं भाई, लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है इनको। लेकिन कैसे मारूँ बहुत शांति से। अच्छा अंदर आओ, अंदर आओ यार, मेरे को ना एक बोल्ट थ्रोवर रखना था, वो शोर भी नहीं करती और मार भी देती है बंदा। चलो इसी तरीके से इनसे फाइट करनी है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हर्ब्स इस बार स्टार्टिंग में ही मिल गई है, हीलिंग कर लेता हूँ, क्राफ्ट करके रख लेता हूँ अभी से ही। यस, अब मुझे आगे तो नहीं जाना, बट और मॉन्स्टर से उन्हें मारना है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले को भी मारते हैं, इस बार बढ़िया तरीके से करूँगा। आजा 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 आजा, तेरे को बताता हूँ मैं। यार ऊपर से ये देखो कैसे कूद कूद के आ रहे हैं, कोई शर्म ही नहीं है इनको बिल्कुल। इसको देखो गंजे को, दीन दुनिया का होश नहीं है, मेरे को आ रहा है मारने। मैं एक मंजिल से छलांग लगा के बच कैसे गया मुझे। अरे भाई 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 भाई, वो लोग तो निकल गए पिंजरे से। मार इसको, मार, बढ़िया, नाइस। वो भैंस की, वे इधर साउंड मत करो बे। बाप रे, एक आइडिया, एक आइडिया, एक आइडिया। एक और ग्रेनेड है। वो दोनों बड़े मॉन्स्टर्स मर गए। ओ भाई मार दिया। हाँ वाह, तुम्हारी भी है स्की टांग। इधर आइयो, निकल यहां से, इधर आ, इधर आ, इधर आ। वो ये क्या मिला, यूनिकॉर्न हॉर्न मिला मुझे, पता नहीं कहाँ काम आएगा, बट पहले इन गंजों को फोड़ दो। निकल यहाँ से सबके सब। वो ये क्या, अच्छा ये तो पुराना मॉन्स्टर है, तेरी बैंड में शॉटगन से बजाऊँ। निकल, सबको खोल दूंगा आज, सारी गोलियाँ चला दूंगा भाई। बड़े वाले मॉन्स्टर्स को इस बार बढ़िया मारा, मैंने ग्रेनेड फेंक दिया इन पे सीधा भाई। ये थोड़े से डेंजर थे, समझने में टाइम लगा, पहले जितना सामान गिरा है ना ये सारा उठाते हैं, बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा गोलियाँ चाहिए मेरे को अभी। ये फोड़ो भाई राइफल एमो। चलो भाई जितनी चीज़ें गिरी थी सारी की सारी मैंने उठा ली है, बट फाइट बहुत ज़्यादा क्रेजी थी, मैंने ख़त्म कर दिया सबको। और अभी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मुझे दरवाज़ा ओपन करना है, और शायद से वो जो हॉर्न मिले हैं ना, वो यूनिकॉर्न हॉर्न, वो यहाँ लगेंगे। यानी इन दोनों मॉन्स्टर को मारे बिना मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता था। वो तो हाँ, हमेशा ऐसा होता ही है कि फाइट होती है बॉस फाइट, तो मारना ही पड़ता है मॉन्स्टर को। तो चाबियाँ हैं इन दोनों यूनिकॉर्न हॉर्न में, प्रॉपर एक की है ये देखो, अब जाके दरवाज़ा खुलेगा। लेट्स गो। घोड़े में आग लग गई, बट आगे एक और दरवाजा है क्या? ओके, ये कहानी इतनी भाई एक्चुअली के चिल्लाने की आवाज आ रही है आगे से। ओ इसके मुंह पे क्या लगा रखा है? ओ भाई ये ये कुएं में फेंक रहेगा इसको। पिला रहे हैं कुछ,
अब ये ज़ॉम्बी बनने वाली है क्या? Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ओह, कुएं में हमें फेंक दिया। वो यहाँ रस्सी थी, एक चेन है। ओबे खुद भी आ गई क्या? ओबे ये कहाँ आ गए भाई? Hang in there, Ashley. I'm coming for you. Make your way to the surface. Oh, bhai, kya hai ye sab? Ye log bahut logo ko fek chuke hain bhai is tarike se pehle bhi. Ye dekho, itne sare kankal hain yahan. Kuch dikh hi nahi raha. Main jaun kahan se? Healing hai thodi. Rasta. Are. Acha, idhar khula hai. Idhar khula hai ye raha. Right side jana hai. भाई यहाँ पर भी कुछ अजीब मॉन्स्टर्स होंगे। बंद हो गया वे? एक ही तो रास्ता था, वो भी बंद है। ये क्या है? अच्छा, ये तो देख लिया मैंने। तो ये है वो जगह जहाँ से इन्होंने मुझे नीचे फेंका, और इधर भी एक रास्ता जा रहा है। ओह, ये जिंदा है लग रहा है मेरे को। ये पकड़ेगा मेरे को। ओ नहीं, कंकाल है। भाई कहाँ आ गए भाई ये? अभी क्या शेर रह रहे क्या यहाँ? ओके, इधर तो कौन है भाई? पानी में गोला गोला हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से निकलो। अरे मैं इतना अंधेरा है, मैं जहाँ से गया था वहीं आ गया। मुझे राइट साइड जाना है। लेफ्ट साइड ये गोला वाला है, मुझे जाना है राइट साइड। यस, इधर कुछ है आगे। ग्रीन आइज। ओ वेट, रास्ता है यहाँ भाई। क्या कासल है यार, क्या गया वो ग्रीन आइज वाला? भैंस की कोने में हील करने दो पहले। गया हाँ क्या? ये ऐसे यहाँ पे बहुत होंगे भाई, मेरे को तो लग रहा है। बट ठीक है, मैं पानी से तो निकल गया हूँ। आजा 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 आजा, देख लिया। अरे कहाँ जाना है भाई, ये तो रास्ता ही टूटा हुआ है। कुछ तो अजीब से मकड़ी जैसे हैं, पता नहीं क्यों ही है। इस बार अच्छा था मारा इसने। ये गया, सांप है क्या? ब्लैक मछली है ये, काटने वाली मछली। ये दरवाज़ा बंद है यार, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और हाँ, उनको पकड़ने के लिए यही है कि टॉर्च में अगर मुझे कहीं बुलबुले दिखते हैं तो इसका मतलब वो मछली वहाँ है। जैसे यहाँ पे अगर मैं नहीं यार, कहीं कहीं ऐसा है। ये तो अच्छी मछली है। ओके, मैं अभी अंदर आ गया हूँ, मेरे को उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिजनर्स नोट: Another wondered how long has it been since I was thrown down here. The meager scraps of food provided in the beginning are gone and they don't give us more. अबे यार, मैं सोच रहा था कि ये कोई रास्ता वस्ता है, ये तो यहाँ आके ख़त्म हो गया। मेरे को लग रहा था मैं कहीं तो एंटर हो गया अच्छी जगह पे, बट नहीं। टॉर्च निकालो वापस। तो यानी अभी मुझे इधर भी नहीं जाना है, कोई और नया रास्ता ढूंढना होगा। और यहाँ बुलबुले हैं, इसका मतलब आसपास वो है। यार इधर कोई तो रास्ता होगा यार, यहाँ पे सीढ़ियाँ आ रही हैं, इधर से रास्ता आ रहा है। ओके, इधर एक रास्ता और जा रहा है। शायद मैं यहीं से आया हूँ भाई, शायद मैं गलत जा रहा हूँ। जहाँ तक है रास्ता यहीं से है, मैंने कुछ तो इधर मिस करा है, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और कुछ नहीं है इधर। और देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पूरी टनल एक्सप्लोर कर ली है, अभी मुझे जाना यहीं है। ओ अच्छा, ये कच्ची दीवार है, इसे मैं तोड़ सकता था। मेरे को पिछली बार भी ऐसा लगा था कि कुछ तो होगा यहाँ पर ऐसा, बट उतना ध्यान नहीं दिया कि इस दीवार को मैं तोड़ सकता हूँ। मैंने सोचा था कि गोली चला के देखता हूँ उस पर, बट ठीक है। यहाँ पर आ गए, हब्स वगैरह मिल गई, और इधर लैडर्स है जो कि ऊपर लेके जाएगी। नाइस, अब जाके कुछ नई जगह देखने को मिलेगी और मॉन्स्टर से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। अबे ये क्या था, कुछ अजीब टाइप के चक्कर आए हैं। बट पहले एक काम करता हूँ मैं, वेट, शॉर्ट गन शेल क्राफ्ट कर लेता हूँ यार अभी, क्योंकि मॉन्स्टर्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। तो उनको मारने के लिए अपनी ये वाली गन ज़्यादा बढ़िया रहती है। ये क्या है मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ते भाई, टॉर्च निकाल ले यार। हाँ बढ़िया, अब फटाफट भाग के चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा देर तक अंधेरे में रहना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ थोड़ा सामान वामान है, उठा लेता हूँ भाई, हब्स वगैरह। ओके, एक रास्ता लेफ्ट में भी है और एक रास्ता स्ट्रेट जा रहा है, और आगे एक पर्पल लाइट जल रही है। ओके, लेफ्ट वाला रास्ता तो पूरा बंद ही है, तो यानी मुझे स्ट्रेट ही जाना है अभी। लेट्स गो भाई। क्या है, कहाँ पर आ गए हैं ये?
कासल की टनल्स होती है ना जब राजा वाजा पे अटैक हो उसके भागने के लिए, ये वो जगह बाय द वे। ओए तेरी कितनी आ गई मुझे तेको पता नहीं है। ये बंदा हर जगह पहुंच जाता है हमें गन्स वगैरह देने के लिए। बाकी ये रॉकेट लॉन्च क्या है, अ सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन विद अ वाइड स्प्रेड एंड मेकिंग इट इफेक्टिव एट क्लोज रेंज। 38,000 की ये वाली गन मुझे बेच रहा है। मैं ले सकता हूँ बट उतना पैसा नहीं है तो मतलब इसका मतलब मैं नहीं ले सकता यार। 80,000 का ना रॉकेट लॉन्चर है, मुझे ये लेना चाहिए था। बॉडी आर्मर है इससे मेरी हेल्थ ज़्यादा देर तक रहेगी। आई मीन आर्मर है तो सीधी सी बात है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगी। एक काम करता हूँ, पहले जितनी चीज़ें मैंने फालतू इकट्ठी करी है ना इसको बेचते हैं। दो मेरे पास ये है, येलो डायमंड है, रेड बेरल है, सफायर है, ये क्राउन है मेरे पास। ये पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहा हूँ भाई मैं, ये कहाँ की किया मैंने, इसे कहीं यूज ही नहीं करा। इन की को कहीं यूज करना था, मैंने बहुत सारी चीजें पीछे मिस कर दी। अभी मैं इसे सेल कर देता हूँ। बोल्ट्स भी हैं चार, ये भी बेच देते हैं। ब्लैक बैस अटैचेबल माइंस जो कि रॉकेट लॉन्चर के साथ अटैच होगी, बट नहीं अभी अपने पास रॉकेट लॉन्चर के पैसे नहीं है भाई। चलो लेट्स सी, ये सारी चीजें बेच के मेरे पास 86,000 हो गए भाई। और एक सेकंड, ये सफायर तो मैंने बेचा ही नहीं भाई, ये भी तो बिकता है। 1,14,000 पैसा बहुत आ चुका है। तो पहले खोलते हैं अपना बैग। तो अभी एक काम करते हैं, तो अभी ना मेरे पास ये जो रायट गन है ना ये मेरी शॉटगन है, मैं इसको बेच रहा हूँ, बढ़िया रहेगा क्योंकि अब मैं खरीदने वाला हूँ एक नई शॉटगन स्ट्राइकर। ये ऑटोमेटिक शॉटगन है, चल 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 गंदे सैमी ऑटोमेटिक शॉटगन है, बहुत बढ़िया रहेगी। मेरे पास ना ये 10 एक अलग टाइप के जेम्स हैं और मैं इसे एक पिस्टल पे यूज कर सकता हूँ। एक न्यू पिस्टल है द पनिशर, मैंने ये वाली ले ली अभी, तो अपनी पुरानी वाली भेज देता हूँ भाई। 63,000 मिल गए मेरे को इससे। अभी जो नई वाली ली है ना इसको अपग्रेड कर लेते हैं। एमओ कैपेसिटी, रीलोड स्पीड, रेट ऑफ फायर, रीलोड स्पीड, रेट ऑफ फायर, बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने वाला हूँ मैं अपनी सारी की सारी गन्स। पावर बढ़ाओ भाई, शॉटगन की तो पावर बढ़िया होनी चाहिए। जो बाकी पैसा बचा है ना उससे एक फर्स्ट एड स्प्रे ले लेता हूँ, बाकी तो ठीक है। और यार एक बॉडी आर्मर चाहिए था, बॉडी आर्मर नहीं लिया। चलो 1200 हो चुके हैं, अब मैं खरीदने वाला हूँ एक मस्त बॉडी आर्मर। अच्छा 12,600, अबे यार 70 कम है। अब कुछ लेकर आता हूँ इसको, ला के बेच दूँ, इधर से कुछ मिल जाएगा वो बेच दूंगा इसको। ले भाई ये ले, खरीद मेरे से। भाई साहब इसने 60 रुपये का डिस्काउंट नहीं दिया आज मेरे को। चलो बॉडी आर्मर आ चुका है। अब हो गया नई नई गन्स अपने पास, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है मुझे। वैसे डर तो मैं पहले भी नहीं रहा था, बट कभी कभार मॉन्स्टर्स आ जाते हैं ना कुछ कुछ, वो थोड़ा सा हिसाब खराब कर देते हैं। बट एक सेकेंड, मुझे इसे इक्विप करना है और इसे रखना है फर्स्ट पे। इसको थोड़ा ऑटो सॉर्ट कर देता हूँ, अभी सही है। चलो भाई ये क्या है, एमरजेंसी लिक्विड नाइट्रोजन शावर्स रिक्वेस्टेड बाय ISIDRO आइसिड्रो यूरेट। भाई क्या वर्ड्स है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। टेलावेरा शायद से कोई ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। डेट ऑफ इंस्टॉलेशन November 2, 2002। इंस्टॉलेशन ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन शावर्स, भाई लिक्विड नाइट्रोजन शावर्स क्यों है यहाँ। That were requested last month has been completed. Question: Liquid nitrogen is an extremely hazardous substance. Exposure may cause blindness. इतना तो समझ आ चुका है कि अभी हमें आगे liquid nitrogen से उलझना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर कभी भी leakage विकेज हो सकते हैं उस चीज़ की। देख रहे हो बर्फ वगैरह जमी हुई है, तो सारा सीन ये है कि वो हमें जमा सकती है और मार भी सकती है। वो कब मेरे ऊपर अटैक, भाई लिक्विड नाइट्रोजन क्यों आ गया अचानक से गेम में, कहाँ कासल में था, कहाँ मैं नीचे आ गया अजीब से बंकर में। कोई तो रूम है भाई। ओ भाई ये क्या है, तू जिंदा नहीं होएगा देखते को पता है, तू जिंदा हुआ ना बहुत मारू। नई गन खरीद के लाया हूँ, तेरे पे टेस्ट होगी सीधा। ये दरवाजा खुल जाए बस मैं जाऊँ। अच्छा ये एलिवेटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। आएगी भी कैसे, पूरी जगह जम चुकी है भाई ठंड से, बर्फ गिरी हुई है पूरे में। उस तरफ कुछ तो पड़ा है, देख के आता हूँ क्या। कुछ बॉक्स है या फिर पेपर है। Chronicles of Pursuit 3. May 9 years since my awakening. Upon the release of this wave, black liquid shall enter my veins and circulate throughout my entire body. Black liquid क्या भी है? I expect this will be most painful experience of my life. भाई भाई जो भी है भाड़े में जाओ, मेरे को तो फाइट करनी है इसके। ये पढ़कर मैं सेफ बच तो जाऊंगा नहीं उससे, या फिर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पता नहीं चल जाएगा, बस थोड़ा सा डर और लगने लग जाएगा। उल्टा हो ये क्या है, शायद मुझे वो पढ़ना चाहिए था। ये कोई तो अजीब सा मॉन्स्टर है भाई जो कि जमीन पे देख के भाग रहा है। और इधर तो दीवार है, अगर मैं इस पाइप पे मारूंगा ना गोली तो पक्का इसमें से लिक्विड नाइट्रोजन निकलेगा। ओके तो यानी मैं उसे जमा सकता हूँ इसके थ्रू, जो भी वो मॉन्स्टर है। बट इतना है कि वो बहुत तेज भाग रहा है भाई, इधर से ही उसकी आवाज़ आ रही है, मैं उसके पास ज्यादा जा रहा हूँ। वो ये रही वो इलेक्ट्रिसिटी जिससे लिफ्ट चलेगा। अबे मैं लिफ्ट में हूँ क्या ये, और पता नहीं क्या चल रहा है, मैं कहाँ हूँ कुछ नहीं समझ आ रहा। भाग 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 भाग, अबे ये तो उसी कमरे में आ गया मैं।
ये चला गया. नोटिस अबाउट पावर सप्लाई आउट ऑफ सर्विस अप्लायंसेस टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी द पावर हैज बीन टर्न ऑफ फॉर सम इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द एलिवेटर. इट कैन बी रीस्टोर्ड बाय फ्लिपिंग द सर्किट ब्रेकर लोकेटेड एट द वेरी ब्लैक ऑफ द लेबोरेटरी. वेरी ब्लैक था. अच्छा वो वेरी बैक ऑफ द लेबोरेटरी था, यानी अभी मैं यहाँ पर हूँ और मुझे जाना है इधर सर्किट ब्रेकर पे, तो बस बाहर निकलना है और लेफ्ट जाते जाना है और इसी में मेरी फाइट हो जाएगी उस मॉन्स्टर से. मुझे अच्छे से मालूम है, जान मुझ के मेरे को फंसवाते हैं ऐसे टास्क दे देंगे. ओके चलो भाई वेट एक सेकेंड, मैप देखा जाएगा पहले. मुझे जाना है राइट. अरे राइट कैसे जाऊँ मैं, राइट बंद है. अब ये क्या ड्रामे है यार. एक बार वो मॉन्स्टर दिखा दो ना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं उसे मार सकता हूँ या फिर नहीं. सस्पेंस में रखा हुआ है. खुल जा भाई, बढ़िया. एक मिनट मैप चेक करने दो भाई, मेरे को जाना उधर है और जिधर मैं जा रहा हूँ ये तो प्रॉपर ही गलत रास्ता है. वेट वेट वेट, इधर तो जाना ही नहीं है. इस रास्ते. अच्छा वेट, मैं उस सेम जगह पर नहीं आया हूँ, ये उसका नीचे वाला फ्लोर ही है. बस यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से बॉडी रखा हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं गलत फ्लोर पर आ गया हूँ. अबे नहीं 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 नहीं, मैं सही हूँ सही हूँ. इधर से रास्ता है एक, ये देखो यहाँ से रास्ता है जाने का. मैं लास्ट टाइम भी इधर से गया था भाई. कितनी कन्फ्यूजन हो रही है भाई इन रस्तों में, सारी चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं. ठीक है अभी मैं एकदम परफेक्ट जा रहा हूँ, बस फटाफट से सीधे भागते हुए चलते हैं. मुझे अपना ध्यान नहीं भटकाना, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मॉन्स्टर आने वाला है. ओह है इसकी, अबे है कौन तू. फिर से नहीं ड्रामा चाहिए मेरे को. बढ़िया भाई, ये थोड़ा सा ना अभी हाइप बना रहा है अपनी, अचानक से अटैक करेगा ये. बहुत ओ ओ ओ ओ ओ ओ दिख तो गया बेटा अजगर जैसे पैर के. मेरे को हील कर लेता हूँ ना थोड़ी. येलो एंड पिंक हब हीलिंग अपने पास बहुत सारी है, तो मैं इस मॉन्स्टर से मरने तो नहीं वाला हूँ, इतना मुझे अच्छे से मालूम है. बाकी यहाँ पर ओके, ये मुझे डाउन करना है स्लीवर को और फिर अपना काम हो जाएगा. पावर रिस्टोर, लेट्स गो. वो मॉन्स्टर भी आ चुका है इसी के साथ. पावर रिस्टोर करने आया था, मॉन्स्टर रिस्टोर हो चुका है. तेरी ऐसी की तैसी तेरी. ओए ओ भाई क्या खा क्या है. वो लिक्विड नाइट्रोजन से मार सकता हूँ मैं इसे शायद. तो बिच गया. ओ भाई वेट, खड़ा हो गया भाई पूरा. वो भागता हूँ मैं इससे. अरे मर गया मर गया मर गया. ये क्या है. अच्छा दरवाजे खोलने का यही था क्या. वो जमा तो है अच्छी खासी देर के लिए, जम गया वो. भाग 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 जल्दी, निकल 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 भाई. शॉटगन की गोलियां मैं उस पर गलत खराब कर रहा हूँ. लेकिन ये क्या है, वो मुझे समझ नहीं आया वो क्या था. आगे 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 आगे. बाप रे मैं जम जाऊंगा इससे तो. लीवर मुझे डाउन करना है और इस बार मैं उसको मार के ही आऊंगा. पहले रुको, हील करा जाएगा. अच्छा मेरी इससे हीलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, येलो हब यूज करने से हीलिंग होगी इस वाली हब से. नाइस, ये मुझे नहीं मालूम था. आजा अच्छा 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 अच्छा. नाइस, मारू कैसे से यार. कुछ हो ही नहीं रहा है बेटा तेरा, गेम में यही बजा के जाऊंगा. रुक जा, इसको अपने अपने पीछे भगाना ना, बहुत बेवकूफ़ी है. शॉटगन की गोलियां पड़ी है, मार तो सकता हूँ मैं इसको शॉटगन से, मुझे फील तो हो रहा है. कहाँ चला गया. अबे यही था, मैं बाहर नहीं गया हूँ. मर गया भाग गया मुझे नहीं मालूम, बट मैं दरवाजा खोल के जा रहा हूँ. वो शायद से भी दोबारा लड़ने आएगा पिछली बार की तरह. वो जमता है ना तो भाग जाता है थोड़ी देर छुपने के लिए, ताकि पिघले आराम से, फिर आएगा लड़ने. ओके अच्छा ये लिफ्ट के लेवल है, उस टाइम समझ नहीं आया था. मुझे लिफ्ट तक पहुंचना है भाई, कुछ भी कर गए. वह कहाँ से आ रहा है. ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो कुछ और ही चीज़ है इस बारी. अरे कौन है भाई, कहाँ से है, कुछ नहीं समझ आ रहा. ओ भाई सही जम गया ये. हाँ भाई तू ही है, तू ही है बस एक थैनोस. हाँ अब मैं पिटा दिखा इसके, आज दे ही दूँ मैं. इधर आ गेले, आ तो रहा है भाई वो. भाई वो पता है कहाँ है, वो ये है. अबे और कौन मार रहा है दूसरा, बड़े बहुत पिटेगा कुछ भाई. इसको असर ही नहीं हो रहा है. तेरी ऐसी की तैसी. हाँ भाई हाँ, मेरे में तो ताकत है ही नहीं. मैं सही में नहीं है यार, इसने बहुत गंदा मारा है. अबे कैसे मारूं इसको भाई, डॉज अच्छा कर लेता है. अरे मरने का नाम ही नहीं ले रहा यार. नाइस, ये जगह अच्छी है.
ओपे भाई, ये चला कर आया था तेरे लिए मैं। इसका कूल डाउन टाइम है अब। मैं मारू तो मारू कैसे इसको भाई, गुलाटी मार मार के मार रहा है मुझे भाई। ये वाली लिक्विड नाइट्रोजन इसने तोड़ दिया है यार, इसको मारने का सही तरीका नहीं है। मारना है ही नहीं इसको इस तरीके से यार, मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ। मैं मरने वाला हूँ गाइस, लिफ्ट आ गया। नाइस 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 नाइस, ये दबा देता हूँ। भाई क्या खाता भाई तू, मार देगा अभी भाई, उसके लिए कुछ नहीं है ये सब। अरे भाई क्या खा कर आया हुआ है यार, मेरे को एक बार बता दे बस। हो भाई खा गया भाई, इससे इस तरीके से लड़ाई नहीं करनी थी मैंने, कुछ तो गड़बड़ करी है, कुछ मैं समझ नहीं पाया हूँ भाई। हील कर लो। हाँ भाई हाँ, सुपरमैन भाई, सारी गोलियाँ ख़त्म हो गई यार, इसको मारने का तरीका नहीं समझ आया। बंद कर लिफ्ट, चलो यहाँ से बेटा, देख लूँगा तुमको मैं, टेंशन मत लो। मेरे को ना पहले भाई, वेट एक सेकेंड, राइफ़ल की एमो क्राफ्ट कर लेता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि अभी कुछ बचा ही नहीं यार। मैंने सारा इन ज़ॉम्बीज पे, उस मॉन्स्टर पे लगा दिया, अजीब से दिखने वाले, और अभी मेरे को भी कुछ तो हो रहा है। Suffering came in, just as it has from him and his daughter, who has joined us in the union, and now she is of our flesh, of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now, deliver to these vagrant children their salvation, as you wish. कहाँ गया भाई, किसी सेफ जगह भेज दो 10 मिनट के लिए। मिरर में, उस नाइफ वाले मिरर में यही दिखा था ये दवाई ले आया है जिससे हम लोग अब ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे, इतना तो मुझे समझ आ चुका है। बट चैप्टर एंड हो गया है, बहुत ही बड़ा था ये वाला चैप्टर तो, और बहुत ही क्रेजी था। आई होप आप लोग को भी इस गेम प्ले वीडियो में मज़ा आया होगा। अच्छा लगा हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत मज़ा आने वाला है। बाय।